यहाँ पे रोजगार नहीं, हम लोग भूखे प्यासे कब तक रहेंगे। सरकार दो 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 चार रोटी देती है, उससे कुछ नहीं होता है। पर आज सारे में जो मुंह मुंह ये गल कह रहे हैं कि सानू दो टक दी रोटी दे नाल गुजारा करना पै रहा। कणक नहीं देनी, असी आटा दे रहे हैं उन्होंने, ते नाल दाल दे रहे हैं हर एक बंदे दी 30 किलो। राशन जेड़ा भेजा सी ओह क्यों नहीं पहुंचा मजदूरों तक? पिंड दे विच रहंदे आ, बहुत गरीब है, जिन्हां दा नीले कार्ड दे विच नाम नहीं है पर वह गरीब है, उन्होंने असी 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो खंड का पैकेट बना के कल तो देना शुरू कर देना है। की पंजाब सरकार इन्हों तीन टाइम का खाना भी नहीं दे सकी? कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज है, कोई पंजाब दे विच भुखा नहीं सौएगा। इन्हीं दिनी सरकारां नूं पंजाबियां नालों वध प्रवासी मजदूरां ने वक्त पा रखे, प्रवासी पंजाब छड्डना चाहुंदे ने, तड़ातड़ जाण लई रजिस्ट्रेशनां करवा रहे ने, पर पंजाब सरकार नूं फिकर है आउण वाले सौणी दे सीजन दा, कारखानियां दा वगैरह वगैरह। गल भी सही है, पर प्रवासी मजदूर जिन्ने वेले बैठण तों दुखी ने उन्ना ही दुखी ने जरूरतां ना पूरियां होण तों। होर तां होर मजदूर रोटी अते राशन तक ना मिलण दे इल्जाम ला रहे ने, जिस कारण किसे समय पंजाब नूं अमरीका कनेडा मनदे यूपी बिहार दे प्रवासी मजदूर हुण पंजाब विच बिंद वी रुकना नहीं चाहुंदे। तस्वीरां जिला रूपनगर दीआं ने। क्या नाम है? राम अवतार कुमार। आप किस लिए आए हो यहाँ पे आज? ये बिहार जाने के लिए जो बन रहा है वही। क्यों जाना चाहते हो? यहाँ पे रोजगार नहीं, हम लोग भूखे प्यासे कहाँ कब तक रहेंगे। तो खाना मिल नहीं रहा क्या? खाना तो मिल रहा, दो टाइम मिल रहा है, उससे क्या होगा, पैसे उससे तो है नहीं है। पैसे का पेट भरने के लिए पैसे जरूरी है, खाना जरूरी है, दोनों चीज़ जरूरी है। पैसे नहीं है तो खाना कहाँ से लाएंगे? खाना तो दे रही है सरकार। सरकार दो 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 चार रोटी देती है, उससे कुछ नहीं होता है। दो चार रोटी में पेट नहीं भरता है। कितनी रोटी चाहिए आपको? नहीं, दो चार हम लोग को खाने के लिए तीन टाइम खाते हैं। तीन टाइम। सिर्फ दो टाइम मिलता आपको? दो टाइम मिलता है। अच्छा, तो एक टाइम भूखे रहना पड़ता है? हाँ, एक टाइम तो भूखे रहना पड़ता है। अच्छा, तो लेकिन उधर भी लॉकडाउन है, उधर कैसे चलोगे, खर्चा जाओ घर जाके? वहाँ पे तो मैं वहाँ पे घर पे तो अपने फैमिली के साथ तो रहोगे सारा चीज। फैमिली के साथ पेट कैसे भरोगे, वहाँ कौन सा पैसा है? वहाँ पे तो कमा के भेजते हो यहाँ से? वहाँ पे तो सर ये बात है ना कि काम अपना तो कुछ भी घर पे तो रह के कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे रूम रेंट लगता है, वहाँ पे तो रूम रेंट नहीं लगेगा। क्या नाम है तुम्हारा? विजेंद्र कुमार। क्या काम करते हो? पेंटर का काम करते हैं। है? पेंट का। अच्छा, कहाँ किस जाने के लिए यहाँ खड़े हो? ये भी सुना है, बिहार के लिए जाने के लिए पास बना, रजिस्ट्रेशन भी किए थे, जब यहाँ पर देखे दफ्तर में बना रहा, कल कॉल भी आया था एक मेरे पार्टनर का, तो बताया कि दफ्तर में आओ, वहाँ पर पास बनेगा, ठीक है, मेडिकल होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए मेडिकल कराने। क्यों जाना चाहते हो यहाँ पर? एक्चुअली कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डर बना हुआ कि ये अक्सर आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग को परेशानी होगी, जिस कारण से गिरती थी घर पहुँच जाते तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। घर आपके बिहार में आप? हाँ जी, हाँ बिहार। बिहार में भी तो कोरोना वायरस है, वहाँ कौन सा कोरोना वायरस? जैसे गाँव पहुँच गए, पेंट बनेगा अपना गाँव में, रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर बाजार में सामान लाएंगे दुकान से, राशन से, और एक्चुअली खाना देने के लिए दो टाइम भी आता है, वह भरपेट भोजन नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ी मात्रा में मिलता है भोजन होता है, सही देखिए क्या हाल हो गया है, खाने के लिए समय से भोजन नहीं मिल पाता, दो ही टाइम मिलता है, एक टाइम भूखे रहना पड़ता है, इससे अच्छा है कि हम घर चले जाओ, आप भर पर भोजन भी करेंगे और आराम से सोएंगे भी, घर पड़ेंगे, नो टेंशन, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, और कोरोना वायरस का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि गाँव में तो कुछ लाते हैं बाजार से। अच्छा, बना बनाया भोजन मिलता है, पैकेट भी मिले आपको बनाने के लिए? पैकेट भी तो दिए सरकार ने? पैकेट तो हम दिए थे। वो कहाँ पैकेट का? पैकेट हम लोगों को नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? जी नहीं। उधर अपने शहर विच मजदूरों के इल्जाम सुन अकाली दल के मीडिया बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ते साबका एमपी प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा कांग्रेस सरकार ते कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उपर लोहा लाखा हो रहे ने। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ते प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया सी कि पंजाब विच कोई भी भुखा नहीं रहन दिता जाएगा, पर जिस तरह मजदूरों ने अपनी स्थिति बयान की है उस नाल पंजाब सरकार की राशन वंड प्रणाली ते सवाल खड़े हो रहे ने। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ
थोड़े सामने है कि एड्डी वड्डी गिनती दे विच साढ़े 8 लाख तो वध मजदूर जाण नूं तैयार होया बैठा सिर्फ इस करके कि रोटी पानी उन्हां नूं सही तरीके दे नाल नहीं मिल सकता। हुण भी सरकार नूं जागना चाहिए और अपनियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां उह निभाउणियां चाहीदियां। पंजाब तो बाहरले सूबिआं दी लेबर जिहड़ी पंजाब तो बाहर जाणा शुरू होई आ उहने जिहड़े खुलासे कीते ने राशन वंड प्रणाली ते सवाल खड़े कीते ने और खास तौर पर दसिया जा रहा उन्हों वालों भी सानू राशन मिलिया नहीं है राशन ना मिलने की वजह करके दुखी होकर जा रहे हैं वह पंजाब से भी सवालिया चिन्ह खड़ा करता पंजाब सरकार की कारगुजारी से भी सवालिया चिन्ह खड़ा करता। मुख्यमंत्री पंजाब नू इसकी जांच करनी चाहिए है कि राशन जिहड़ा भेजा सी वह क्यों नहीं पहुंचा मजदूरों तक क्यों राशन के सताए लोग राशन की घाट कारण लोग अज पंजाब छड़ के जा रहे हैं और मैं समझता कि पंजाब सरकार इस लेबर बाहर जाने का उत्साहित करने की थान टिकटा दे के पंजाब तो तोरन की थान बल्कि इत्थे रहने लिए उत्साहित करना चाहिए संतकारा ना मिलके व्यापारियों ना मिलके कारोबारियों ना मिलके ईवन किसानों नू झोने के आ रहे सीजन के बहुत बड़ी घाट आनी आ उदों ये सारिया गलों संजीदगी सोचने की लोड़ है अपने पैरों पर आपको हड़ा मारन की लोड़ नहीं है सोच तो मुड़ विचारिया जाए तो लेबर नू सैटिस्फाई किया जाए। उधर इस सब विच आम आदमी पार्टी भी किथे पिछे रहने वाली सी रोपड़ तो आप आगू सरबजीत सिंह हुंदल ने भी अकाली दल दी हां विच हां मिलाउंदिया कांग्रेस सरकार ते सवाल चुके ने। हुंदल ने कहा कि एक पासे सरकार दे मंत्री किसे नूं भुखा ना सौण दे दावे कर रहे ने पर दूजे पासे हाल इस तो बिल्कुल उल्ट नजर आउंदा है। देखो इतने जे साडे चरणजीत सिंह चन्नी मंत्री ने हलका श्री चमकौर साहब तो विधायक भी ने उन्होंने 27 मार्च में इतने ऐलान किया कि असी कोई भी मजदूर जिहड़ा पंजाब दे विच उन्हूं भुखा नहीं रहन देवांगे ये साडी सरकार की निजी जिम्मेवारी आ। पर हुण तुसीं पिछे जे देखिया होवेगा काफ़ी टीवी चैनल्स वाले वीरां ने दिखाया कि उन्हां नूं पेट भर खाणा नहीं मिल रहा वह भुखे सौण लई मजबूर ने उन्हां दी कोई सार नहीं लै रहा इस करके वह पलायन करन मजबूर ने वह तो एक बेचारे पहला ही गरीब ने इत्थे आके पंजाब दे विच काम करते ने अपने परिवारों नूं पालते ने अपना रोटी रुजदा काम रोटी रुजगार वह इत्थे आके पैंदे ने पर ये सरकार दा ये सरकार दी जिहड़ी बेरुखी दा शिकार होकर वापस जा रहे हैं कि की पंजाब सरकार इन्हां नूं 3 टाइम का खाना भी नहीं दे सकती पंजाब सरकार नूं इस गल नूं सीरीयस लेना चाहिए ये बिल्कुल सीरीयस मुद्दा है सरकार नूं विचारना चाहिए कि साडे मजदूर पंजाब दे विचों पलायन ना करन तां कि साडी पंजाब दी जिहड़ी आर्थिकता वह बची रह सके। उधर जदों इस पूरे मामले संबंधी जिला SDM नाल गलबात कीती गई ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ। देखो जी वो ये है कि असी नहीं उन्होंने इदा नहीं है कि उन्होंने जबरदस्ती भेजा जा रहा है परंतु जो जाना चाह रहे हैं असं उन्होंने रोक भी नहीं सकते सारा उन्होंने राइट हैगा जी अगर जो जाना चाहते हैं असं उन्होंने सिर्फ फैसिलिटेट ही कर सकते हैं अगर लेबर जा रही है तो जो बाहर लोग फसे हैं वह भी साढ़े को वापस भी आ रहे हैं। नहीं जी नहीं ये बिल्कुल गलत है राशन इन्हों प्रॉपर दिता जा रहा है लंगर भी चल रहा है सारा इन्हों का खाने की तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है पर जो किसी हैगी है तो साढ़े ध्यान लैके आ सकते हैं जी। पंजाब नूं छड्ड लगातार अपने सूबियां नूं जा रहे प्रवासी मजदूरां दे कारण आने वाले दिनां विच पंजाब च इंडस्ट्री चलाउण अते खेतीबाड़ी दे काम प्रभावित होण दे असार वध गए ने। दूजी गल इह वी कि सरकार वल्लों जदों हर इक तक राशन देण दी गल आखी जा रही है तां इह मजदूर हर वार क्यों सरकार ते इल्जाम ला रहे ने कि सचमुच ही इहनां कोल खाणा नहीं पहुँच रहा कि इस विच सरकारां विच कोई कमी है जां फिर हेठले पद्धर दे अधिकारियों विच मामला जांच मंगदा है। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी पंजाबी लोक चैनल। जसमेल कौर मेरा नाम है जी ते पिंड गुलाबे वाले तो आए हैं जिला मुक्तसर है ते पहला साल हो गया कैंसर होए नूं साथी गलती सी ते मुक्तसर दवाई लई सी असी नहीं सानू आराम आया ते फिर रिश्तेदारां सानू दस पाई है वो इत्थे सानू लैके आए है इत्थों दवाई असी 5-6 महीने खाधी है ते हुण असीं ठीक हैं बिल्कुल।